हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। साथियों, आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 7। क्या कहता है जरा ध्यान देना, बड़ा ही अटपटा सवाल है ये, बड़ा टेंशन वाला सवाल है, लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया खुदा ना खास्ता तो आप इससे कैसे निपटोगे, मैं वो तरकीब आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सवाल कहता है कि यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 जो है वो एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अब आपको ये नहीं पता कि यूक्लिड का है, अभिगृहित का है, ये अभिगृहित 5 क्या है, तब तो कुछ नहीं समझ पाओगे। हाँ, लेकिन आगे एक और भी चूतिया बना रहा है, एक प्रकार से बेवकूफ़ बना रहा है आपको, कह रहा कि ध्यान दीजिए यह प्रश्न पांचवी अवधारणा से संबंधित भी नहीं है, बड़ी विडंबना है। देखो फिर इसका कुल मिला के मतलब समझ लो, इसका कहने का यही मतलब है, पांचवी अवधारणा से जो निष्कर्ष निकलता है उसका यही मतलब है जो वो कहता है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। अब पूर्ण और अपूर्ण का मतलब समझो, जैसे भैया अगर हमने लिखा 4 तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 1 लिख सकता हूँ ना, तो 4 क्या है, ये पूर्ण है, ये क्या है, पूर्ण है। लेकिन जो 3 और 1 है, ये 3 और 1 भी 4 का एक भाग है, मतलब ये पापा हैं, ये इनके दोनों बेटे हैं। तो भैया बाप हमेशा बेटा से बड़ा होगा कि नहीं, बताओ, बड़ा होगा ना, तो इसमें कौन प्रमाण देने की ज़रूरत है, नहीं ना। एक बार और देख लो, जैसे अगर मैंने लिख दिया 9 तो 9 को आप लिख सकते हो 5 × 4, मतलब ये क्या है, 9 एक पूर्ण है, मतलब पूर्ण संख्या मानो या कुछ भी, पूर्ण संख्या तो वो भी है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा भाग है और ये 5 और 4 इसके 9 के भाग हैं, दोनों पार्ट हैं, मतलब इसके लड़के बच्चे हैं। तो भाई ये तो हमेशा बड़ा रहेगा कि नहीं, यही चीज़ ये बोल रहा है कि बताओ ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, हाँ बताओ क्यों होता है। तो आप नीचे क्या लिखोगे, हिंदी में लिख लो, क्योंकि पूर्ण का भी, क्योंकि पूर्ण का भी भाग 2, एक मिनट रुके रहो मैं देखने दो क्या है भैया ये, हाँ देखो इसमें निष्कर्ष जो ये निकला है, क्योंकि जो पूर्ण है उसका ही भाग 2 जो अधूरे हैं वो भी हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो, इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि पूर्ण का भाग है वह पूर्ण से ही बना है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, पूर्ण के ही भाग हैं और पूर्ण से ही बने हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण हमेशा अपने भागों से बड़ा होता है, इसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पिता हमेशा अपने बच्चों से बड़ा होता है तो इसके लिए कोई हमें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये चीज़ ऐसे लिख लेना। एक बार फिर से सुन लो इसको देखो, पहले कह रहा कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये भाई सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, तो नीचे आप लिखो क्योंकि पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है, ऐसे लिखो, क्योंकि पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है। ये पूर्ण, पूर्ण बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये पूर्ण मतलब होल नंबर, एक प्रकार से अगर पूर्ण संख्या बोलें तो लिखो पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है, इसलिए पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा, इस बात के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। एक उसी प्रकार से जिस प्रकार बाप हमेशा बेटे से बड़ा होता है, इसकी हमें कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिख लेना बस, ये थोड़ा तर्कसंगत है बस, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा आपकी 5.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आपको बड़ी बड़ी क्लासें मिले और आप एक एक घंटा पढ़ सकें, जो ये 5 मिनट 10 मिनट एक क्वेश्चन देखते हैं, तो एक एक दिन में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके लिए आप अपने बच्चों तो नहीं होंगे आपके, अपने साथियों को हमारे साथ जोड़िए और इस नंबर पर फ़ोन करके बताइए कि हाँ हमारे 5 मित्र पढ़ने वाले हैं, 4 मित्र हैं। अगर आप लोगों की संख्या 100 के लगभग पहुंच जाएगी, 100, 110, 120, तो हम लाइव शुरू कर देंगे, एक एक दो दो घंटे आपको पढ़ाएंगे, सब खत्म हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को जोड़ो जिनके पास मोबाइल है, या नहीं है तो घर में मम्मी पापा किसी के फ़ोन से पढ़ें, और बताओ कितना बजे आप सभी पढ़ सकते हो, हम उतना बजे लाइव आएंगे, एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसे दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।